हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 2 चल रहा था, यानी चैप्टर 2 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में 2.1 के जो एग्ज़ाम्पल थे जो भी, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। तो आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लीजिए, क्योंकि जो आज की वीडियो है उसमें मैं प्रश्नावली 2.1 का ये प्रश्न संख्या 1 करवाने वाला हूँ, जो कि उस एग्जाम्पल पर आधारित है। अगर वो एग्जाम्पल आपने नहीं देखा है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आप पहले उस वीडियो को जाके देखिए और फिर आप इस वीडियो में आइए। उस वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, आपको वहाँ पर वह वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, जो कि है प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 1। देखिए, प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है, ठीक है। 2.10 नंबर की आकृति है, जो कि आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें करना क्या है, आपको जो शून्यक हैं, जो शून्यक दिए हुए हैं, वो आपको इसमें निकालने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है px, यानी कि जो x अक्ष है उस पर आपको शून्यक निकालने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था कि आप पिछली वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए समझते हैं हम। आपके पास पहला जो ग्राफ है वो दिया हुआ है कि देखिए, इसमें आपकी x अक्ष है, आपको x अक्ष को देखना है, जिसमें जो ग्राफ है वो अगर x अक्ष को जहाँ पे भी काटे वही हमारा शून्यक हो जाता है। यानी कि जो ग्राफ है वो जितनी बार x अक्ष को काटेगा, यानी x एक्सिस को काटेगा, उतने ही उसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस ग्राफ में जो हमारा ये ग्राफ है वो सीधा एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि जो एक्स अक्ष है उसको एक बार भी नहीं काट रहा है, मतलब इसके शून्य कितने हो जाएंगे हमारे पास, जीरो हो जाएंगी। तो आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं शून्य, यहाँ पे शून्य कितने हो जाएंगे इसके, जीरो, ठीक है। इस तरीके से ये जो ग्राफ का आंसर हो गया, वो हो गया हमारे पास जीरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो कि है ये। देखिए, आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, यानी कि वो एक्स अक्ष को काट रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गिनना है आपको कि जो एक्स अक्ष को जो ग्राफ है वो कितनी जगहों पर काट रहा है। देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो वाई अक्ष को काट रहा है एक तो, और एक एक्स अक्ष को काट रहा है, यानी कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक जगह पर काट रहा है, ठीक है। यानी कि इसके जो शून्यक हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे शून्यक हमारे पास इसका एक हो जाएगा, ठीक है, इसका एक शून्यक होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। देखिए, हमारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आपको देखना है जो एक्स एक्सिस है वो ये ग्राफ कितनी जगहों पर काट रहा है। देखिए, यहाँ पे एक तो इस जगह पर काट रहा है और एक इस जगह पर काट रहा है, मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगहों पर काट रहा है, मतलब इसके शून्यक हो जाएंगे दो, ठीक है, इसके दो शून्यक हो जाएंगे। समझ में आया? और फिर भी कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छे से उसमें पूरा डिटेल के साथ समझाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए,
ये है हमारा चौथा ग्राफ। इसमें आप ग्राफ को देखिए, हमारा ग्राफ ये कुछ यू आकृति का है, मतलब एक्स अक्ष को ये दो जगहों पर काट रहा है, ठीक है, एक तो इस जगह पर और एक इस जगह पर। इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफ है उसमें शून्य हो जाएंगे दो, ठीक है, इसके दो शून्य हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। देखिए इस ग्राफ में आपको एम आकृति दिख रही होगी, एम आकृति बन रही है ग्राफ की। अब आपको इसमें एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर काटा है इसने, कितने जगहों पर इसने प्रतिच्छेदित किया है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे एक जगह पर, ये दूसरी जगह पर, और ये हमारे पास तीसरी जगह है, और ये चौथी जगह पर काटा हुआ है। यानी कि इसके जो शून्यक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास एक, दो, तीन और एक चार, ठीक है, तो हमारे पास चार शून्यक हो गए। अब देखते हैं इसके शून्यक, ठीक है, तो इसके शून्यक कितने होंगे। देखिए एक्स अक्ष को इसने एक जगह पर, दूसरी जगह पर और एक ये तीसरी जगह पर काटा है, मतलब इसके शून्यक हमारे पास तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे आपका क्वेश्चन फर्स्ट। प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और ऐसी ही वीडियोस रोज़ाना हमारे चैनल पर आती रहती हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।